Shri Manindrajit Singh Bitta, our guest of honor. He's the chairman of All India Anti-Terrorist Front. His country continues to serve the society. He has been engaged in a lot of social activities, working with the war widows of Kargil. And today, as we're talking about all of you as achievers, and all of you who have actually walked that extra mile, and you have taken so many risks, he's been someone, in spite of all the risks which are all around his life, he still continues to be an active social worker. Pleasure to have you here, sir. Thank you. Adarniya Tiwari Sahab, Member Parliament, हमारे देश की, हमारी भारत माता की एक मजबूत और एक शक्तिशाली ताकत इस देश को एक नई सोच, नई दिशा, देश की तरक्की उसको मजबूत करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है वो आप हैं, वो सामने बैठे हैं. मैं सब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश की स्टूडेंट की एक नई जिंदगी, कि स्टूडेंट जो है वो आगे जाके अपने भारत माता की आजादी की रक्षा कैसे करेगा, कल्पना चावला की तरह इस दुनिया के अंदर इस भारत माता का नाम कैसे ऊंचा करेगा, यह सब कुछ आपके हाथों में है और आपसे ही इस चीज की शुरुआत होती है. हम राजनीतिक लोग तो रैलीज करते, फंक्शन करते चले जाते, पर देखा जाए आज पूरे भारत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. जितनी देर तक आपको सरकारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आपके काम की सराहना, आपके काम की मजबूती की देखना, उनकी तरफ से ताकत शक्ति मिलनी, वो नहीं मिलेगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते और स्टूडेंट को भी कभी आगे नहीं बढ़ा सकते. मैं ज्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज में बहुत जाने का मौका मिलता है, स्टूडेंट के अंदर उत्साह दब देखते हैं. आगे भी हम बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे, लाखों की रैलियां करते थे, बहुत उसमें स्टूडेंट तो कम आते थे, पब्लिक बहुत आती थी, पर हमने अपने आप को अब बदल के स्टूडेंट की तरफ हम चले गए. क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि स्टूडेंट जो एक बार प्रण कर लेगा कि मैंने अपने देश का नाम किस तरीके से ऊंचा करना है, उसको कैसे मजबूत करना है. शिक्षा सिर्फ स्टूडेंट अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए नहीं, उसको ये बताना है कि उनसे भी ज्यादा जो तुम्हारा मकसद है, को ऐसा काम करना, ऐसी एक ताकत बनना जिसमें कल्पना चावला की तरह, अब्दुल कलाम की तरह तू भी दुनिया के अंदर एक अपना नाम भारत का रोशन करे, माता पिता और यूनिवर्सिटी कॉलेज से जहां तू शिक्षा ली है वो तुम ऊंचा करना. आपके ऊपर बहुत बड़ी अभी जिम्मेदारियां हैं, आपकी अभी जिम्मेदारी शुरुआत हुई है. हम कभी कभी सोचते थे, जब बातें कहीं सुनते थे, कि यहां पे दिल्ली के अंदर किस तरीके से आपको कहां कहां, कभी किसी के पास, कभी किसी पॉलिटिशियन के पास जाना पड़ता था. हमारे पास बड़े हमारे दोस्त हैं जिनके यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, हमसे चर्चा करते थे, हमें भी पीड़ा होती थी, हमें भी दुख होता था कि हमें अपने एजुकेशन सेंटर को इतना मजबूत करना चाहिए कि उसको दिल्ली आने की जरूरत ना पड़े, हमारा सिस्टम इतना मजबूत दिल्ली से हो कि हम वहां जाके उसको क्या मुश्किलात है उसको दूर करें, और हम उसको क्या और दे सकते हैं, उसके अंदर कितनी ताकत दे सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है. पॉलिटिशियन बन जाना, मंत्री बन जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है. सवाल ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझें. अगर हम किसी पद पे बैठे, किसी मंत्रालय में बैठे, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम भी अपने टाइम पे मिनिस्टर रहे, हम भी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, हमें संकल्प किया था कि हमारे जिम्मे जो काम है
उस काम को किसी भी तरीके से पूरा करना है, चाहे उसके लिए किसी चीफ मिनिस्टर का फोन आए, चाहे पीएमओ से फोन आए, चाहे कितना भी बड़े से बड़े लीडर का पॉलिटिकल प्रेशर हो, नहीं, जो सच है उस सच को करना है और सही काम है उसको करना है, गलत है तो आंखों को यहां रख लेना है, कोई नाराज होता हो जाए, हमने उसका संकल्प किया। अरे सोचो तो सही, ये भारत की असलियत क्या है, ये भारत बना कैसे है, ये भारत के अंदर कितनी कुर्बानियां, कितना खून बहा है, कोई समझने को उसको तैयार नहीं। बंद कमरे में बैठ के सीखना, बंद कमरे में बैठ के पढ़ना, इससे भारत माता चलने वाली नहीं है। जमीन पे लोगों में, स्टूडेंट के, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम को आपके चेहरे से समझना पड़ेगा, आपकी बातों से समझना पड़ेगा और फिर उसको पूरा करना पड़ेगा। ये मुल्क आजाद हो चुका है, ये मुल्क लोकतंत्र है, बड़े साल फिर राजनीति का गुलाम रहा यह देश, राजनीति गुलामी, पॉलिटिकल टेररिज्म, इससे हमें आजादी लेनी है। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप को आजाद समझे, मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मैं राजनीति का गुलाम नहीं हूं। एक तो वो गुलामी थी अंग्रेजों की, एक ये गुलामी, राजनीति गुलामी। हम उस राजनीति में इतने सालों से हैं, हमने राजनीति को देखा है, उस आजादी को आपने लाना है। वंदे मातरम, जय हिंद। And may I invite Mr. Praveen Kumar to kindly felicitate Mr. Chaurasia. Thank you. Thank you to all of you also, ladies and gentlemen. Once again, congratulations to you. Ladies and gentlemen, may I request you all to also join us for a group photograph. Ek bari fir se Bitta ji se, Chaurasia ji se request karna chahungi. All the awardees, you may please join us for a group photograph. We also have the individual interviews by the media outside and...